भैया आस्किंग 95 आपने किया है, भाइयों के लिए कम हो जाएगा वो रोमिंग बट चैनल अगर देख के कोई आते हैं हाँ जी मेरे पास उसको ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। उसका रेट हमें बता दीजिए भैया, छोटा बजट इसका दीजिए कि भाई लेकर जाए। ये आपको 135,000 में दे दूंगा मैं। 135,000 आपने रेट सुन लिया इसका। 230,000 रुपये, 230,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा i10 Hyundai कंपनी की, बहुत ही अच्छी कार है। आगे बढ़ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर से आपका भाई आ गया है सस्ती कार का अच्छा खासा स्टॉक लेकर, मतलब जितने भी सस्ते कार है ना, मतलब कम बजट की कार। तो मतलब कुल मिला के इस वीडियो का मोटिव यही है कि अगर आप बजट कम रखते हो, बजट बहुत कम रखते हो, मतलब 1,00,000 से भी अंदर का बजट अगर रखते हो, उस बजट की भी कार आपको दिखाई जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा बजट रखते हो, मतलब ज़्यादा भी नहीं 4,00,000 के आसपास का, तो भाई डिज़ायर लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब ऐसे करके भाई अगर सारी गाड़ियों का रेट शुरू में बता दूं तो आप वीडियो को आखिरी तक देखोगे। तो फिलहाल अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं कि कहां आपका भाई खड़ा है। तो अभी आपका भाई खड़ा है केके मोटर्स में जानीपुर रोड पे। अभी हम लोग खड़े हैं एम्स हॉस्पिटल के बहुत पास में, नजदीक में खड़े, 1 किलोमीटर के दायरे में खड़े हैं। यहां की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि फाइनेंस पे गाड़ी यहां पे मिलती है कि नहीं, क्या है एग्जैक्ट लोकेशन वो भी आपको बताएंगे, कौन कौन सी कार होगी। पीछे आप देख ही सकते हो बहुत सारी कार लगी हुई है, वो सारी कार को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए कोई तो चाहिए जो हमें डिटेल दे। तो अभी हम लोग वेलकम करते हैं यहाँ के प्राउड ऑनर तौसीफ भाई का, एक बार फिर से अपने चैनल पे। भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज क्या स्टॉक लेकर आए हैं? पिछली वीडियो हमने दिखाई बहुत सारी गाड़ियाँ कवर करी है, आज के स्टॉक में अच्छा स्टार्टिंग क्या होगी? स्टार्टिंग प्राइस आपको 95,000 से स्टार्ट, 95,000 से स्टार्ट है। उसमें भी लिटिल बिट नेगोशिएट हो जाएगा। बाकी और कौन कौन सी गाड़ियाँ होगी थोड़ा मोटा मोटा हमें बता दीजिए। आपको आज का स्टॉक हम दिखाएंगे, जैसे डिजायर हो गया आपको वो दिखा देंगे आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको i10 दिखा देंगे, स्टीलो दिखा देंगे, रेट्स दिखा देंगे। हाँ जी, 7-8 की एक सेल भी है। हाँ, सेल बहुत अच्छी कार है, आप देखिएगा वीडियो में। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इन डिटेल दिखाऊंगा, वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। फटाफट से पहली कार की ओर बढ़ते हैं भैया, स्विफ्ट डिजायर है ना भैया? मतलब भाई अगर आपको सेडान कार चाहिए ना, अच्छी माइलेज वाली, इसके टक्कर की आज तक नहीं आई है कोई गाड़ी नहीं। बिल्कुल डिजायर हम लोग देख रहे हैं भैया, पटना नंबर है। क्या डिटेल है बाकी का डिटेल हमें दीजिए। डिटेल इसका प्राइस आपको 4,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए। कौन से साल की है ये? 2015 अगस्त की है ये, अगस्त की है। तो भाई मुझे लगा था कि 2012-13 की होगी, लेकिन ये 2015 के अगस्त का है, 4,00,000 रुपए है ना भैया? पहली गाड़ी है, देख लीजिए ऐसा रेट है कि मार्केट ढूंढो आप शायद ही मिले। 2015 के अगस्त का आपने बताया, कितना चला हुआ है भैया? चला हुआ 60,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। हाँ जी, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर, 60,000 चला हुआ है। डीजल है पेट्रोल? डीजल गाड़ी है, डीजल में है। चलिए आपको वॉक अराउंड करा देता हूँ। बैक प्रोफाइल पहले आप देख लीजिए, मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, व्हाइट कलर की है, क्रोम फिटिंग कराई हुई है, इवन ऑन द हैंडल आप सारा कुछ चेक कर सकते हो। टायर की कंडीशन दिखा दूँ, लाइफ अभी बाकी है, घबराने की बात नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया टायर। भाई अब लगभग सारे टायर वैसे ही होते हैं, तो हर एक टायर दिखाने जाओ तो वीडियो कम मूवी ज़्यादा लगेगी। आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं इंटीरियर की ओर, इंटीरियर में आपको दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो भाई बस इसमें एक पावर विंडो नहीं आती है, बाकी पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग सारा कुछ आएगा। सोनी का म्यूजिक सिस्टम डला हुआ है और देख लीजिए भाई सीट की कंडीशन, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी है। तो ये सारा कुछ अगर आपने देख लिया है तो रेट आपको पता चली गया है, 4,00,000 रुपये है ना भैया? ऑन टेबल रोमिंग बर्ड चैनल से अगर कोई भाई आते हैं तो नेगोशिएट कर देंगे एकदम। चलिए वो नेगोशिएट जरूर से कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, कौन सी दिखाई जाए नेक्स्ट गाड़ी आपको? हुंडई का i10 है, i10 है ये, ठीक है। कलर बहुत प्यारा है भैया, कौन से साल की है ये? ये आपको 2011 की है, 2011 की हुंडई की i10 है। कौन सा i10 है? i10 मैग्ना, मैग्ना है ये, सबसे टॉप सेकेंड टॉप आता है, स्पोर्ट्स से पहले आता है। ओके, स्पोर्ट्स से पहले मैगना आता है, सेकेंड टॉप है। पटना का नंबर है भैया, कितना चला हुआ है ये? चला हुआ है आपको 40,000 चला हुआ है। ऑनरशिप फर्स्ट? हाँ फर्स्ट ऑनर, ठीक है, फर्स्ट ऑनरशिप पे है, 40,000 किलोमीटर चला हुआ है। आप देख सकते हो फ्रंट प्रोफाइल, आप पहले अच्छे से देख लीजिए, BR01 है ये, आपको मैं दिखा दूंगा सारा कुछ ही। यहाँ पे आपको देख सकते हो रिवाइजर लगा हुआ है, सीट वगैरह सब कुछ देखिएगा। उससे पहले आप देखिए ब्रिजस्टोन की टायर, पास से भी आप देख सकते हो। भैया पेंट के बारे में हमें जरूर बताइएगा, पेंट ओरिजिनल है ये? पेंट हल्का टचअप किया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही पेंट है, जहाँ जहाँ पे स्क्रैचेस थोड़ा मोड़ा था
वो बस आपको कराया गया। ठीक है भैया, स्पेसेस की बात आ गई, पेंट की बात हो गई है, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, के मोटर्स भी इन बात की गारंटी देता है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल कार में डील नहीं? एक्सीडेंटल गाड़ी हम उठाते ही नहीं है, फुल सर्टिफाइड गाड़ी है मेरा। चलिए, क्योंकि भैया अपना नाम क्यों ये करना? सही बात है, बिल्कुल। तो एक्सीडेंटल कार में भैया क्लेम कर रहे हैं कि डील नहीं करते? नहीं। चलिए, अब आपको सुकून मिल गया हो कि एक्सीडेंटल कार में यहाँ डील नहीं होती है। 2011 का अभी आप Hyundai i10 का इंटीरियर देख रहे हैं, जहाँ पे कि आपको ORVM कंट्रोल्स, पावर विंडो वगैरह सब कुछ मिलेगा। स्टीयरिंग पे भी आप देख सकते हो स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है, और सीट की कंडीशन भी आप देख लीजिए, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। पिछली टायर की बात करें तो अपोलो की टायर है, देख सकते हो ये ब्रांड न्यू टायर है, आप भी देखिए अगर पास से तो पता लग जाएगा। तो सारा डिटेल हो चुका है, 2011 का मॉडल है, साइड मिरर पे इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा, मतलब अपडेटेड है भैया। हाँ, 2011 का है लेकिन अपडेटेड है, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली एक इंसान चाहता है कि हमारे कार में हो। 2011 की Hyundai की i10 मैग्ना वेरिएंट भी है। मैग्ना वेरिएंट। रेट हमें बता दीजिए सर। इसका 2,30,000 रुपये है। 2,30,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा i10 Hyundai कंपनी की, बहुत ही अच्छी कार है। आगे बढ़ते हैं, मारुति सुजुकी भैया घर घर गाड़ी इसकी घूमती है, मारुति सुजुकी की, उसमें भी जैन स्टीलो है, माइलेज, मेंटेनेंस सब कुछ सब बहुत बढ़िया। BR1 पटना का नंबर, तीसरी गाड़ी, तीनों गाड़ी पटना का, थोड़ा हमें डिटेल दे दीजिएगा। ये आपको मारुति का जैन स्टीलो हो गया। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। इसका प्राइस आपको 140 प्राइस है, 1,40,000। कौन से साल की है ये? ये 2008 की है। 2008 की है, 1,40,000 रुपये में आपको मिलेगी। कितना चला हुआ है भैया? चला हुआ है आपको 38,000। 38,000 चला हुआ है। ऑनर से फर्स्ट, सेकंड? ऑनर से फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑनरशिप पे है। 1,40,000 अगर आपके पास है, ये कार आपको मिल जाएगी। अभी रुकिएगा वीडियो में, 95,000 के भी तौसीफ भाई हमें दिखाएंगे। हाँ। बिल्कुल, उससे पहले आप टायर की कंडीशन देख लीजिए, पेंट वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हो, भैया ने हमें बताया। वैसे आप भी देख सकते हो, BR1 पटना का ही नंबर है। और रही बात अगर पीछे वाली टायर की, तो रोमिंग बर्ड चैनल पे ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। पीछे से भी आप देख सकते हो, जैन स्टीलो LX वेरिएंट है। आते हैं हम लोग इसका इंटीरियर देखते हैं। तो इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें पावर विंडो नहीं आती है, अदर देन दैट सारा कुछ आपको मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह नीट एंड क्लीन आपको मिलेगी। सीट की कंडीशन आप देख लीजिए, पीछे वाली भी सीट आप देख सकते हो। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है, रेट तो भैया ने बता ही दिया है, 1,40,000 रुपये की। भैया अभी हमने दिखाया है भाइयों को मारुति सुजुकी की जैन स्टीलो, 1,40,000 के बजट में। आगे अगर हम लोग बढ़े तो कौन सी कार दिखाएंगे? नेक्स्ट कार आपको शेवरोले का सेल युवा है। सेल युवा है, और डिटेल भैया हमें दे देंगे, नंबर पटना ही का है, थोड़ा सा हमें डिटेल दीजिएगा भैया। ये आपको 2013 लास्ट की गाड़ी है। हाँ जी, मतलब समझ लीजिए 14 की गाड़ी हुई। बिल्कुल, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 40,000 किलोमीटर चला हुआ है। 40,000, ठीक है, फर्स्ट ऑनरशिप पे है। 2013 आपने बताया, 13 लास्ट की है, तो ऑन पेपर 13 है, अदरवाइज लास्ट की है, 2014 आप मान सकते हैं। बाकी सामने से आप देख लीजिए, वाइट कलर की है और लंबी है भैया, जैसे i20 वगैरह आती है उतनी ही लंबी ये भी दिख रही है, अगर आप देखोगे तो आगे से लेकर पीछे तक, तो लंबी कार है, सिटी में आप लेके ऐसे चल सकते हो। बाकी आपको मैं दिखा दूँ तो टायर वगैरह से आप पहले देख लीजिए, वाइट कलर की है भैया। बम्पर से तो कोई पीस पेंट हुआ है इसमें? नहीं, हल्का फुल्का टचअप हुआ है, वो भी बम्पर में ही था। हाँ हाँ जी, पेंट ओरिजिनल ही है। पेंट ओरिजिनल है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया, बाकी यहाँ पे रूफ रेल वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आपको पावर विंडो मिल जाएगा, कंपनी फिटेड नहीं लेकिन पायोनियर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा तगड़ा साउंड क्वालिटी आती है इसकी। सीट की कंडीशन आप देख सकते हो, तो ये है 7.8 की सेल, देख लिया आपने, i20 की कंपैटिबिलिटी ये भी है। 2013 लास्ट की है भैया, 2013 लास्ट का है। हाँ जी, क्या आस्किंग प्राइस आपको? 2,25,000 रुपये। 2,25,000, वो भी डीजल गाड़ी है। डीजल है ये? अच्छा, क्या माइलेज निकालती है? माइलेज आपको 23-24। तो भाई भले i20 भी इतनी लंबी है, लेकिन i20 से अच्छी माइलेज है। 23-24 की माइलेज है, भैया ने रेट बता दिया है, आइएगा रेफरेंस दीजिएगा, थोड़ा बहुत कम कर देंगे। 7.8 की सेल हमने दिखा दी है, आखिरी में दिखाएंगे 95,000 रुपीज़ की कार। उससे पहले भैया मारुति सुजुकी की एक रेट भी लगी, रेट भी लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे कंडीशन की है, टॉप नॉच कंडीशन की, वो आपको दिखाएंगे। हमारे पास अल्टो भी लगा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। तो पहले रेट्स दिखाते हैं, तो आइए उसकी डिटेल लेते हैं हम लोग। भैया मारुति सुजुकी की रेट्स, क्या डिटेल आने वाला है? नंबर तो हमारा पटना का ही है, डिटेल थोड़ा दे दीजिएगा हमें। ये आपको मारुति रेट्स VDI है, डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट है, कौन से साल की? साल ये आपको 2011 लास्ट है, अप्रॉक्स आप 2012 मान सकते हैं। हाँ जी, 2011 लास्ट की है अप्रॉक्स में, तो आप समझ सकते हो 2012 भी मान सकते हो। डीजल वेरिएंट में है, ऑनर से फर्स्ट? ऑनर से फर्स्ट है। कितना चला हुआ है भैया? चला हुआ है आपको 40,000 के आसपास। ठीक है, 40,000 के आसपास में चला हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा
आंखों में भाई अभी दिखा है तो वो चीज़ ये दिखा है, ये डॉक्टर वाली स्टिकर भैया, डॉक्टर लोग जो होते हैं भैया मतलब काफ़ी अच्छे से कार को अच्छे से रखते हैं गाड़ी में। हाँ जी, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। आपको मैं इंटीरियर दिखाऊंगा, मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है अच्छा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। 40,000 किलोमीटर चला हुआ है, सामने से आप देख लीजिए कार को, पास अगर जाऊँ भाई तो आप लोगों के लिए टायर यहाँ पर आप देख लीजिए, कंडीशन अगेन A1 कंडीशन की आपको मिलेगी। नंबर भैया ने बता दिया है 2011 का है, ये भी हम लोग जानते हैं। VDI वेरिएंट है, डीजल में है, डीजल डलवाइए चलाइए भैया। हमें तो लगता है बस फ्यूल डलवाना चलवाना या फिर किसी तरह का कोई काम नहीं है। जनरल सर्विस करवा लो, बिल्कुल ठीक है। तो 1 महीने के बाद भी कराइएगा तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, 1 महीने के बाद भी ठीक है। बाकी इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो मारुति सुजुकी की रीड्स है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना 2011 की है, लेकिन पावर विंडो आपको मिल जाएगा। इंटीरियर देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आपको नीट एंड क्लीन इंटीरियर मिलेगा। सीट देख सकते हो, सीलिंग देख सकते हो, डैशबोर्ड की कंडीशन देख लीजिए। तो ये सारा कुछ देखकर अगर आपको कार पसंद आ गया होगा, रेट भी हम लोग जान लेते हैं भैया। अगर भाइयों ने कार लेने का सोचा है मारुति आपको मैं 2,25,000 दे दूँगा। 2,25,000 ठीक है, 2,25,000 के बजट में मारुति सुजुकी रेट्स लगी हुई है। VDI वैल्यू डॉक्टर ऑनर थे इनके तो भाई समझ सकते हो कार मेंटेन में, वो भी ऑन टेबल नेगोशिएबल है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है, वो बस आप लोग याद रखिएगा, वो आपका हक बनता है। दिखा दिया भैया हमने मारुति सुजुकी की रेट्स, अल्टो एक हमारे पास लगी हुई है, वो कवर करें हम लोग। उसके बाद आखिरी में हम लोग कवर करेंगे 95,000 की कार, ठीक है। तो वो सारा कुछ भी आपको दिखाया जाएगा। सेकंड लास्ट कार हमारे पास यहाँ पे मारुति सुजुकी की अल्टो लगा हुआ है, पटना का नंबर है भैया, सिल्वर कलर की। डिटेल थोड़ा हमें दे दीजिएगा। ये मारुति अल्टो LXi पावर स्टीयरिंग आ रही है, पावर स्टीयरिंग वाली है, ठीक है ठीक है। कौन से साल की ये आपको 2009 फरवरी की गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, चला हुआ आपको 40,000 चला है, 2009 के फरवरी का है। अल्टो LXi है, साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो भैया। इसमें पेंट पूछना चाहूँगा, पेंट इसका बता दीजिए। ये पेंट ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, ओरिजिनल पेंट, बस पॉलिश करवाया हुआ है, पॉलिश करवाया हुआ है। बाकी भाई पेंट अगर आप देखिएगा ना, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल पेंट। चलिए ठीक है, वो सारा कुछ आप देख लिए तो आपको मैं दिखा देता हूँ टायर। तो भैया टायर बहुत नहीं है इसकी, एकदम नया टायर डलवा के रखा गया है ताकि भाई है तो लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारा कुछ देख लिया आपने, इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पावर विंडो नहीं आता है, बाकी पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक, एसी हीटर। तो मतलब सारा कुछ आपको मिलेगा, सोने का म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा, तो इंटरटेनमेंट भी बना हुआ है। 2000 कब का आपने बताया? 2009 का है, लेकिन फीचर्स भी सारे ही मिलेंगे, बस एक पावर विंडो नहीं है, पावर विंडो नहीं है, ठीक है। रेट हमें बता दीजिए भैया, छोटा बजट इसका दीजिए कि भाई लेकर जाए। ये आपको 1,35,000 में दे दूंगा मैं, 1,35,000। आपने रेट सुन लिया है, अगर आपको चाहिए अल्टो LXi, कंडीशन तो बहुत अच्छी है, मेंटेन गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट में भी है। चलिए ठीक है भैया, सेकंड लास्ट कार थी, अभी हम लोग रिवील कर देते हैं कि कौन सी कार होगी। 95,000 रुपीज़ की भैया कौन सी कार आज हमें दिलवा रहे हैं आप, कौन सी कार है वो? जो आपको 95 में मैं दूंगा वो Chevrolet का, हाँ जी, Avio युवा है, आपको मैं दिखा दूंगा भैया। आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि 95,000 के रेट में पावर स्टीयरिंग, अच्छा पावर विंडो, एसी, पावर विंडो की रिमोट, हर चीज मिल जाएगा, हीटर आपको, इवन आपका मतलब जो स्पेशियस भी है ना वो मतलब आपको i20 इतना मतलब मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ सिल्वर कलर की 7-8 की Avio है भैया, BR01 पटना का नंबर है। फीचर्स पहले मैं बता दीजिए, कौन कौन सा फीचर्स मिल जाता है इसमें? फीचर्स इसमें आपको मिल जाएगा पावर स्टीयरिंग, हाँ जी, पावर विंडो, बहुत बढ़िया, एसी, हीटर, रिमोट, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, सारा कुछ भाई फीचर्स मिलेगा। कौन से साल की अभी है ये? 2009 लास्ट है, 2009 के लास्ट का है। कितना चला हुआ है? चला हुआ 51,000। और क्या ये किलोमीटर आपने बता दिया? ऑनरशिप बता, ऑनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनरशिप पे है। सारा डिटेल हमें मिल चुका है, साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, ये सब कुछ आपके सामने है। आपको पूरा वॉक अराउंड करा दूँ, इवन अगर पीछे से भी बात करें तो वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो Chevrolet की, आप देख सकते हो Avio लगी हुई है, Avio युवा, और यहाँ पे Chevrolet की ब्रांडिंग देख सकते हो। पेंट भी है ये ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, वो मुझे भी पता लग रहा है, थोड़ा बहुत जो स्क्रैच है ना भाई तो एज इट इज है, तो मतलब इससे गाड़ी की ओरिजिनलिटी पता चलती है कि कितना ओरिजिनल है। सही बात है, बिल्कुल। आते हम लोग देखते हैं इसका इंटीरियर, तो यहाँ पे पावर विंडो मिलेगा आपको 95,000 रुपीज़ की कार में। सीट की कंडीशन वो भी नेक्स्ट शोरूम मिलेगी, बहुत ही अच्छी सीट की कंडीशन है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, एसी, हीटर, सारा कुछ लोडेड है भैया। ऑनरशिप भी फर्स्ट है, टायर कंडीशन भी आप देखिए, हाँ जी, टायर की भी कंडीशन अच्छी है।
भैया आस्किंग 95 आपने किया है, भाइयों के लिए कम हो जाएगा वो रोमिंग बड चैनल अगर देख के कोई आते हैं। हाँ जी मेरे पास उसमें ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा, उसमें ऑन टेबल नेगोशिएट कर दी जाएगी। तो बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए और ऐसा ही डील लेकर आते रहेगा केके मोटर से, है कि नहीं भैया? केके मोटर्स से फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है, थोड़ा सा इन डिटेल हमें बता दीजिए। जो 2013 के ऊपर की गाड़ियां होती हैं, हाँ जी वो आपको मैं फाइनेंस करवा दूंगा। करवा देंगे ठीक है, मतलब पटना के आसपास के क्षेत्र भी हम करवा देंगे। कितने परसेंट डाउन पेमेंट पे? अप्रोक्स सिविल के अकॉर्डिंग होता है मोस्टली वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ 30-40% आपको 30-40% के आसपास में डाउन पेमेंट करना होगा। सिविल के ऊपर थोड़ा सा वो परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, तो वो आप आइएगा फाइनेंसर आपको बता देगा। भाइयों को अगर केके मोटर्स पहुंचना है बहुत ही आसान शब्दों में हमें बता दीजिए किस तरह से आ सकते हैं वो आपको डायरेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पटना में जो फेमस है तो पटना एम्स है, पटना एम्स है, तो एम्स से 1 किलोमीटर मेरा शॉप है जानीपुर रोड में, जानीपुर रोड में बिल्कुल वहाँ पे आप आ सकते हो। दिक्कत होगा नंबर दिया होगा कॉल कर लीजिएगा भैया गाइड कर देंगे। हाँ, गाइड कर एम्स पहुँच के कॉल कीजिएगा भैया गाइड जरूर से कर देंगे। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से इंक्वायरी दिया है आपने और काफ़ी अच्छा डील भी दिया है कार का। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो भाई, इसको जब लाइक आप लोग करते हो ना तो एक मोटिवेशन आता है जिससे हम लोग और वीडियोज़ अच्छे अच्छे लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आप आए हो और कंटेंट देखा हो अगर और कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर बिहार से हो यार तो सपोर्ट करना इस चैनल को, क्योंकि और भी इसको हम लोग इवॉल्व करने वाले हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। केके मोटर्स का स्टॉक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर यहाँ से कार लीजिएगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, आपका भाई खुद से कॉन्ग्रेचुलेट करेगा आप लोगों को। और बस यहाँ का प्राइसिंग भी बता दीजिएगा हमें ताकि यहाँ के जो ऑनर है वो भी खुद को आप देख सकते हैं, अगर कोई कमी है तो वो भी अपने आप को करेक्ट करेंगे। तो ये फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा ऑनर के लिए। बाकी पुराने भाइयों से अगेन इतना ही कहूँगा, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से रोमिंग बाइक इतना आगे तक पहुँचा है। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।